हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं ने जेवर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी हरकतें कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक चौसार गांव में रामनंद तिवारी की ज्वेलरी की दुकान में अज्ञात महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना अरवल क्षेत्र में एक चौसार जगह पड़ती है, वहाँ पे एक ज्वेलर्स की दुकान थी, उनका नाम रामानंद है। वहाँ पे दो महिलाएं आई ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उन्होंने कुछ सामान देखा, कान का टक्स वगैरह, और उनको 13,000 रुपये दिया। फिर ये कहकर कि अभी हम लौट जा रहे हैं साड़ी की दुकान से, और वो चली गई। काफ़ी देर जब नहीं आई तो दुकानदार ने चेक किया तो उसमें से 2 टक्स गायब थे, तो उस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी उसमें